लास्ट uh, लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन की थी डॉट प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर में कुछ एक पॉइंट्स बताए थे प्रोजेक्शन मैंने बताया था कि ये एक तरह का एक वैक्टर है जो कि शर्ड से फॉर्म होता है तो द वैक्टर विथ रिप्रेजेंटेशन पी एस इज कॉल्ड वैक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू एन इज़ इनोटेड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी इस ओवरऑल uh, इस पिक्चर uh, को आप अगर देखेंगे तो वेक्टर पी पी आर का जो शेडो है वो पी क्यू पे बन रहा है इस पी आर को हम वेक्टर बी कह रहे हैं इस पी क्यू को वेक्टर ए कह रहे हैं और जितना शेडो इस पे बन रहा है यही भी एक वेक्टर है ये पी एस है तो पी एस एक्चुअली शेडो है इस वेक्टर बी का और इस शेडो को जो वैक्टर है फ्रॉम पी टू एस इसे कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सब सब में मौजूद है और वेक्टर प्रोजेक्शन बी का है तो आ, ये क्या लाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए ये एक्चुअली कोई वेक्टर ही होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर इज वेक्टर सो यू कैन थिंक अबाउट इट एट एज शेडो ऑफ बी इट इज़ अ वैक्टर कॉन्ट्री द लेंथ ऑफ द वैक्टर प्रोजेक्शन सेट टू बी स्केलर प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्शन वेक्टर की जो लेंथ है उसे स्केलर प्रोजेक्शन कहेंगे यानी कि वेक्टर पी टू एस जो कि आपके पास प्रोजेक्शन वेक्टर है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए इसका अगर स्केलर स्केलर क्वांटिटीज़ स्के लिए मैग्नीट्यूड निकालें तो आपके पास स्केलर प्रोजेक्शन आएगा वो क्या लाएगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए या फिर उसे कहेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए या कॉम्पोनेट ऑफ बी अलॉन्ग ए सो वैक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए कैन बी डिफाइंड एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई एप्सोल्यूट ऑफ ए का स्क्वायर इन टू वैक्टर ए और स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए या फिर कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग इसे कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए कहते हैं ये वैक्टर प्रोजेक्शन का मैग्नीटूड uh, है तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वैक्टर का मैग्नीट्यूड और ये स्क्वायर ही कैंसिल आउट होकर आपके पास बचेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ है तो इस तरह आप स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्केलर प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है सिर्फ ये देख रहे हैं आप डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर होता है और मैग्नीट्यूड भी स्केलर होता है जबकि वेक्टर प्रोजेक्शन एक वेक्टर देगा आपको स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस वैक्टर ऑफ द वैक्टर इसको हम यूँ देख सकते हैं कि ए डॉट बी इजिकल टू ए बी सीटा अब अगर हम इस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें डॉट प्रोडक्ट के साथ सो so, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये काम कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ ए को हम वेक्टर ए के साथ अलग से मल्टीप्लाई करवा दें और डॉट ए लिख दें तो इस तरह ये जो फॉर्म आ जाएगी आपके पास ये पूरी फॉर्म ये यूनिट फैक्टर ऑफ ए है डॉट बी सो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट ऑफ बी कॉस थीटा इज एक्चुअली यूनिट यूनिट फैक्टर ऑफ ए डॉट बी और एब्सोल्यूट ऑफ बी कॉस्ट सीट है इज एक्चुअली वॉट दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट की एक अनदर एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी कि स्केलर प्रोजेक्शन एक्चुअली जो स्केलर प्रोजेक्शन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वैक्टर ऑफ ए डॉट बी का स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए ये डॉट प्रोडक्ट होता है वैक्टर ए और यूनिट फैक्टर ऑफ ए और बी का सो ये एक इंटरप्रटेशन है आपके सामने जो मेट्रिकल इंटरप्रटेशन द कॉम्पोन ऑफ बी अलॉन्ग ए कैन बी कम्प्यूटेड बाई टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी विद द यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए नाउ सी द एग्जाम्पल फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन एंड वैक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए आपको यहाँ पे वैक्टर ए और बी गिवन है और आपसे कह रहे हैं वैक्टर बी ऑन टू ए का स्केलर प्रोजेक्शन और वैक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो ये इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट की स्टेटमेंट में ये देखना ज़रूरी है कि प्रोजेक्शन किसका किस पर निकालना है सो स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बी का निकालना है और किस पे निकालना है ए पे निकालना है सो so, uh, सबसे पहले आप वेक्टर प्रोजेक्शन की बजाय स्केलर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें चूंकि स्केलर प्रोजेक्शन ही से वैक्टर प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए ये स्केलर प्रोजेक्शन है ये इक्वली ए डॉट बी डिवाइडेड बाई एप ऑफ ए सबसे पहले आपने क्या करना है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना ए और बी गिवन है इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे थ्री के इक्वल आएगा ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीके का लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा वहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट को निकालना सीखा था जब कॉम्पोनेंट्स गिवन थे उसके बाद आप वैक्टर ए का एप्सोल्यूट लें या मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं ये सबसे पहले लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था और जस्ट मैं एप्सल्यूट के लिए क्या करना होता है हर एक कॉम्पोनेंट का स्क्वायर लेके सब करके स्क्वायर रूट लेने स्क्वायर रूट ऑफ़ फोर्टीन आ जाएगा सो डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन या आगे आपका कॉम्पोनेट ऑफ बी अलॉन्ग ए या फिर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए नाउ यू हैव टू फाइंड वैक्टर प्रोजेक्शन इस वैक्टर प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है वैक्टर प्रोजेक्शन बाई डेफिनेशन ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इन टू वैक्टर ए आपने ए डॉट भी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो अब अगर आप इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लें तो ये भी पूरा फैक्टर आ जाएगा आपके पास वेक्टर ए से पहले तो का तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेने पे आपके पास आएगा थ्री अपॉन फोर्टीन नाउ सो यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर्टीन बाई वैक्टर ए सो थ्री अपॉन फोर्टीन इज मल्टीप्लाइड बाई दैक्टर ए ये वैक्टर ए माइनस टू थ्री और वन गिवन है सो so, आप जस्ट स्केलर मल्टीपल इसका कैलकुलेट करना है सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए क्या होगा ये डायरेक्टली स्केलर मल्टीपल से आप फाइंड आउट कर लेंगे सो so, ये बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ऑन टू अनदर वैक्टर फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए प्रॉब्लम है वैक्टर ए एंड वैक्टर बी गिवन है पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट हैं इसके वैक्टर ए और वैक्टर बी केव है फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए ये फाइंड आउट करना है आपने तो ये फाइंड आउट कीजिएगा और इस पर एक काम ये भी करना है इस प्रॉब्लम में इसका रिवर्स भी करना है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्केलर वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन टू ए आपने ये काम करना है स्केलर एंड वैक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी भी फाइंड आउट करना दोनों फाइंड आउट करें और देखे बताएँ क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या चीज़ इसमें फ़र्क में है ये देखें ना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज एक्चुअली वॉट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एक तरह का प्रोजेक्शन ही है इसमें क्या करते हैं इसमें वैक्टर बी में से चूंकि आर्थोगल प्रोजेक्शन ऑफ बी है वेक्टर बी में से आपने सब करना होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए को तो जब वेक्टर बी में से प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए आप सब करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास एक अनदर वैक्टर चूंकि दोनों वैक्टर हैं और दो वैक्टर का डिफरेंस एक अनदर वैक्टर है और ये जो वैक्टर आता है ये ऑर्थोगोनल होता है वैक्टर ए पर ये ऑर्थोगोनल होता है वेक्टर ए पर तो इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी और ये ऑर्थोगोनल किस पे होता है वेक्टर ए पे ऑर्थोगोनल होता है सो यू कैन चेक इट आउट ऑर्थोगोनल ऑफ बी डॉट ए और आप जानते हैं जब दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है सो ये चेक कर सकते हैं सो फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी इफ ए एंड बी आर गिवन एंड चेक दैट आर्थोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर वेक्टर ए तो सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी ये किसके इक्वल होगा बी माइनस प्रोजेक्शन ऑफ बी इसके लिए प्रोजेक्शन ऑफ बी फाइंड आउट कर ले प्रोजेक्शन ऑफ बी आप जानते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इं टू ए के इक्वल होता है ये अभी हमने देखा था सो so, इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब करना है वैक्टर बी से इसको सिम्प्लीफाई कीजिएगा सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन निकाल के बी से सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन आखिर में कैलकुलेट कर लेना है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी देन सब्ट्रैक्ट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी विद ए दैट इज़ जीरो, यानी कि आपने क्या करना है पहले ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ़ बी फाइंड आउट करना है इस तरह फाइंड आउट होगा और उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर आएगी उसको ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें और आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ रही है तो ये एक प्रोजेक्शन और आर्थोगोनल प्रोजेक्शन से रिलेटेड छोटा सा एक टॉपिक था डेट एट